यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। नमो नारायण जी, अगर संतान नहीं हो रही और संतान होने में बाधा आ रही है बार बार आपको, या बच्चे मिसकैरेज हो रहे हैं बार बार, गर्भ होता है, बनता है गर्भ, उसके बाद खत्म हो जाता है, या संतान होने का नाम नहीं ले रही, अगर आपको किसी को भी, आपके जानने वाले को भी अगर किसी को ऐसी कोई परेशानी है बच्चों से रिलेटेड, तो ये उपाय जरूर कीजिएगा। ईश्वर की कृपा से, भगवान कृष्ण के आशीर्वाद से, नारायण आशीर्वाद से आपको जरूर लाभ की प्राप्ति होगी। बात करूंगा सबसे पहला उपाय, जिन माताओं को, जिन बहनों को, जिन स्त्रियों को संतान में पुत्र प्राप्ति या कन्या की प्राप्ति नहीं हो पा रही, उन्हें क्या करना है। सबसे पहले तो सत्यनारायण भगवान का व्रत शुरू कर दीजिए। सत्यनारायण भगवान के व्रत में बहुत शक्ति होती है, ये अजमाया हुआ उपाय है, रिजल्ट मिलता है। एक वर्ष तक सच्चे मन से पूर्णमासी के दिन सत्यनारायण भगवान का व्रत करें। दूसरा उपाय क्या करना है, एक बांसुरी लेनी है। बांसुरी यदि चांदी की हो तो बहुत अच्छी बात है, चांदी का अगर बजट नहीं है तो कोई वहम नहीं है, कोई किसी बात का कोई वहम नहीं है। आप नॉर्मल जो बांसुरी आती है, जो 10-20 रुपए में बांस की जो बांसुरी आती है, वो ले लीजिए। बांसुरी लेकर के आपने सच्चे मन से प्रार्थना करते हुए, और एक मंत्र बताऊंगा, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए आपने कृष्ण भगवान के मंदिर में जाकर के सच्चे मन से चरानी है। और ये बांसुरी आपने क्या करना है, शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन चरानी है। और जब मंत्र आप पढ़ेंगे, मंत्र पढ़ना है ओम क्रीम कृष्णाय नमः, ओम क्रीम कृष्णाय नमः, ओम क्रीम कृष्णाय नमः, इस मंत्र का सच्चे मन से पाठ करना है। पाठ करते हुए भगवान कृष्ण को बांसुरी चरानी है, सत्यनारायण भगवान का व्रत करना है। और दूसरा दोस्तों, लाल या भूरी गाय को अगर आप रोटी भी खिलाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ की प्राप्ति होगी। लाल या भूरी गाय को रोटी आप रोजाना खिलाया करें। डॉक्टर को भी दिखाना है, ऐसा नहीं कि सारे उपाय के पीछे चलना है, डॉक्टर से भी जरूर कुछ ना कुछ आपने विचार विमर्श करना है। बस इस उपाय को सच्चे मन से करना है। और एक आपने भगवान कृष्ण का बाल रूप का चित्र जो है वो आपने क्या करना है, अपने बेडरूम के अंदर पूर्व की दीवार पे लगा के रखना है, या आपने उत्तर की दीवार पे लगा के रखना है, इससे आपको बहुत ज्यादा लाभ की प्राप्ति होगी। नमो नारायण जी, कल्याण।